नमस्ते, कैसे हो आप लोग। देखो फ्रॉक मैंने यहाँ तक बना लिया, मैंने इसमें बटन भी लगा लिए, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फंदे ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लाइन आई मेरी, और सातवीं लाइन में मेरे खाली दो दो फंदे बढ़े थे, सातवीं भी आई थी। तब तक हमने बनाना है, आपके 7 आए 8 आए 4 आए जो भी आए, जब तक हमारे ये बॉर्डर के 6 फंदे न रह जाए। मैंने पहले भी बताया, पहले वीडियो में भी बताया मैंने आपको, 6 फंदे तक, उसके बाद हमने सारे फंदे यहाँ बढ़ाने बंद कर देने, घटाने बंद कर देने, और ये उल्टा बना के बॉर्डर बना लिया। तो देखो इस तरीके से लंबाई इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। अभी इसमें फ्रिल बनेगी तो ये आराम से, जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसका कद थोड़ा छोटा है, पर 5 साल की है और कद छोटा है, और बहुत मोटी भी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लगेगा। देखो ये पीछे का हिस्सा, देखो ये इतना आ गया, और अभी फ्रिल बनेगी। तो मैं फ्रिल में आपको आज आपको फ्रिल बताती हूँ कि फ्रिल में मैं कितने फंदे डालूँगी। सारे फंदे रखने हैं हमने फ्रिल में, कोई घटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब इसमें मैंने 2 उल्टे रखे थे, तो ज़्यादा घना हो जाएगा, और चाहे तार वाली सिलाई हो तो बहुत भर जाएगा। तो मैं उसमें इसमें नीचे फ्रिल में 4 रखूँगी उल्टे, और एक सीधे पे ये जाली से इतना ही बढ़ाऊँगी 5 फंदे तक। जैसे मेरे ये 5 फंदे तक बढ़ा है, एक फंदा मेरे पास पहले रहता है, और 5 मैंने बढ़ाए तो 6 फंदे हो गए, ठीक है। आप वीडियो देखोगे पूरी तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने ये तैयार कर लिया, और ये देखो ये इस तरीके से दिखी गई है, ये जो फंदे बढ़े हैं जब मेरे 11 हुए थे, फिर मैंने यहाँ पीछे से उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी लाई हूँ, सीधी से फिर बीच बीच में से फिर ये एक फंदे में से 2 फंदे बढ़ा के इस तरीके से मेरी ये जालियाँ आई हैं, और ये डिजाइन आ गया। तो ये जब पूरा बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी मैंने ये देखो बटन यहाँ तक ही आते हैं, मैंने यहाँ तक बटन लगा लिए, तो मेरे आए 1 2 3 4 5 6 बटन आए। आप लंबा बनाओगे तो आपके थोड़े से ज़्यादा आएंगे, आप इसको छोटा बनाओगे, बॉर्डर ना बनाओगे तो यहाँ से बॉर्डर चाहे छोटा बनाओगे तो फिर एक बॉर्डर एक कम आएगा, लेकिन बटन यहाँ तक आने चाहिए जहाँ तक हमारा ये घट के जाते हैं। देखो ये घटाई इस तरीके से गई इसकी, देखो ये यहाँ से हमने घटाई करी थी, देखो इस तरीके से 2 फंदे का एक जो हमने करा था तो ये यहाँ तक आ गई। देखो यहाँ बगल के नीचे से यहाँ से करी थी हमने ये, तो ये दोनों तरफ से इस तरीके से ही लाइन से आ गई है, ये देखो ये दिख रही है यहाँ तक। फिर जब हमारे ये 6 फंदे तक आ गया घट के, उसके बाद हमने ये बॉर्डर बना दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने का नहीं था, इसलिए मैंने पहले बॉर्डर बना दिया, क्योंकि फ्रिल बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत फंदे हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अब आपको फ्रिल बताती हूँ। तो मैं पहले इसका बटन खोल लेती हूँ, तब फ्रिल बनेगी इसमें। अब मैंने तो तार वाली, अब देखो मैंने इसमें भी काज बना रखा था, तो आप नीचे वाले में भी मैंने काज बना रखा है कि आपको ये ना लगे। देखो अब आपको अगर ये नीचे को करना है तो इसमें काज में लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बटन तो नीचे है ही। तो ये मैं पहले बटन खोल के, अब मैं क्या करूँगी यहाँ से, अब मैं एक फंदा तो उतार दूंगी, उसके बाद मैं 4 उल्टे फंदे बनाऊंगी। दो बन गए, 3 और 1 4, ठीक है। अब हमने धागा आगे ही रखना, और इसमें हम जाली डाल देंगे, चाहे आप एक लाइन पहले ऐसे कर लो कि पूरे 4 4 बना के तो 2 लाइन में आ जाएगा, चाहे इस तरीके से कर लो, तो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस तरह के कर रही हूँ। देखो ये जाली डाल ली मैंने, फिर धागा आगे करके फिर 4 फंदे बनाऊंगी। उसमें मैंने 2 बनाए थे तो इसको मुझे थोड़ा दूर दूर करना है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 4 फंदे हैं, धागा आगे ही रखा है मैंने। देखो फिर जाली डाल दी एक सीधे फंदे पे, फिर धागा आगे करके पूरा इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ मेरा आखिरी कोने में इसमें दूसरे पल्ले के इसमें 4 फंदे आने चाहिए मेरे, 5 आने चाहिए, मतलब एक मैंने उतारा है, 4 फंदे उल्टे आने चाहिए। तो इस तरीके से मेरे कहीं पे घटाना भी पड़े तो घटा सकते हैं, और बढ़ाना भी पड़े, एक आध फंदे का चक्कर होता तो, क्योंकि डिजाइन पूरा पड़ना चाहिए तभी वो फ्रिल अच्छी लगेगी। तो मैं पहले इसको इस तरीके से बना लेती हूँ, 4 फंदे बुने, धागा आगे ही रखना, एक फंदा सीधा बनाना, इसमें ये जाली डल गई है,
इसी तरीके से ये बनाना है। तो मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ, तो देखो मेरा यहाँ पे जाली डल गई और मेरे प्रॉपर वही 5 फंदे आए हैं जितने मुझे चाहिए थे। देखो एक बना लिया उल्टा, 2, 3, 4, 4 फंदे मेरे उल्टे आ गए और एक किनारे का मुरा सीधा आ गया कि जो हमने सीधा रखने के लिए रखा था। तो मेरे बराबर फंदे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे यहाँ पे जो फंदे बड़े हैं, ये जो मेरे 46 फंदे इधर 46 उधर थे और 80 फंदे पीछे थे मेरे, 46 ही आगे 46 उधर बॉर्डर सहित, ठीक है, और 80 फंदे पीछे थे। उसके बाद मेरे ये फंदे बड़े हैं जो, तो इसमें मेरे 37 फंदे एक साइड बड़े हैं और 37 इधर बड़े हैं, तो मेरे इतने और बड़े हैं, तो इसलिए नीचे का घेर बराबर आएगा। अब मैं उल्टी सिलाई लेके जाती हूँ। अब क्या करना है, किनारे का तो मैं उतार दूंगी और जो मैंने 4 फंदे उधर से उल्टे बनाए थे ये इधर से मेरे सीधे बनेंगे। ये देखो 2, 3, 4, अब हमारा उधर से सीधा एक था, एक बढ़ गया हमारा, तो अब हमारे ये 2 फंदे हो गए। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई ऐसी जाएगी, ये बढ़ते जाएंगे फंदे, तो उधर से उल्टा बढ़ता जाएगा, पीछे से उल्टा बढ़ता जाएगा और आगे से सीधा बढ़ता जाएगा। अभी जाली का फंदा और ये मैंने ये बना दिया, अभी 4 फंदे पीछे से सीधा जा रहे हैं, आगे से उल्टे जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा बना लेती हूँ, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपका, तो मैं थोड़ा और बना के दिखाती हूँ आगे फ्रिल कैसी लगेगी इसमें। तो मेरी उल्टी सिलाई पूरी हो गई, अब मैं सीधी सिलाई पे आ गई। फिर मैंने एक उतार लिया, 2, 3, 4, 4 मैंने उल्टे बना लिए। अब धागा आगे ही रखना है। अब हमने ये जाली डाल के 2 सीधे हो गए, अगली बार 3 सीधे हो जाएंगे, फिर 4, 5 ऐसी करके होंगे। और थोड़ा वीडियो देखते देखते लाइक कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, वीडियो देखते देखते कर दिया करो, उसके लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। इसी तरीके से फिर मैं ये वाली लाइन भी बना लेती हूँ। देखो 4 बनाए, धागा आगे ही रखा, अब की बार 2 आ गए सीधे, अगली बार 3 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 5, इसको गिन के फिर 6 आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद बंद करूँगी। तो मैं थोड़ा इसको और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। मेरे ये हो गए, मेरे ये 6 फंदे हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जाली बढ़ा ली, 1 फंदा पहले का था। अब मैं इनको बंद कर दूंगी। आपको बड़ा चाहिए तो आप और बड़ा बना सकते हो, और आपको जैसे ये चोली ये कम हो जाती थी, 1-2 लाइन बॉर्डर की बढ़ा दो, और यहाँ पे जो मैंने ये बगल के नीचे बनाया इसको थोड़ा लंबा बना दो। तो आपको लंबा स्वेटर चाहिए, छोटा चाहिए, तो आप अपने हिसाब से जितने जिस बच्चे के हिसाब से फंदे उठाओगे डालोगे। तो मैं बताती हूँ आगे फिर आपको कि एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो ब्रिज हाउस रहते हैं मथुरा, तो उनका था कि 3 और 4 साल के बच्चे का, तो मैं पहले इसको घटा के देखती हूँ कि कितना बड़ा आता है, तो फिर मैं उनको लास्ट वीडियो में फिर बताती हूँ आगे। कि पहले मैं इनको बंद कर लेती हूँ, इस तरीके से ये थोड़ा टाइट टाइट घटाऊंगी ताकि मेरे को चुन्नड़ ज़्यादा आए नीचे। तो इस तरीके से ये मैं पहले फंदे बंद कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा ये बन गया, ये मेरी फ्रिल बन गई। आप लोगों को थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बड़ी भी बना सकते हो और फंदे डाल के, ठीक है। और ये देखो मेरे पीछे साइड, ये मेरी तो आ जाएगी, मेरी 5 साल की हो रही है अभी, होगी, लेकिन उसका कद बहुत छोटा है, तो इसलिए ये भी उस पर लंबी आएगी थोड़ी सी। ये मैंने थोड़ी बड़ी बनाई, आप ये देख सकते हो। ये देखो इस तरीके से मैंने फ्रिल डाली। देखो इस साइड से
जो मैंने चार फंदे इधर से जो उल्टे बनाए थे ये पीछे से सीधे आएंगे। आप चाहो तो दो का भी बना सकते हो, तीन का भी बना सकते हो। मैंने चार डाले हैं, चार उल्टे डाले हैं, तो आप तीन फंदे उल्टे डाल के भी बना सकते हो। जैसे मैंने ये हाथ के ये फ्रिल में बनाए बाजू में, दो का भी बना सकते हो। आपको बहुत घनी घनी चाहिए, मुझे घनी नहीं चाहिए थी तो इसलिए मैंने ये। आपको लंबी चाहिए तो आप एक आध थोड़ा सा और बढ़ा के भी बड़ी बना सकते हो, लेकिन वही तार वाली सिलाई पे बनेगा। तो आप ये देखिए, और एक मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उनके उनके लिए आप ऐसे करना कि मैंने तो उठाए 296 फंदे, तो आप थोड़ा सा कम उठाना। तो 4 साल की बच्ची के मैंने आगे इस साइड आगे पल्ले में रखे हैं 46 फंदे, तो आप क्या करना कि 40-42 रखना थोड़ा, नहीं तो बहुत लूज हो जाएगा नीचे, क्योंकि आपकी लंबाई तो आपने अपने हिसाब से देखनी है। यहाँ फ्रिल आप कितनी चाहिए, आपको फ्रिल चाहिए या नहीं चाहिए तो खाली बॉर्डर बना के भी, ये खाली बॉर्डर बना के भी आप बंद कर सकते हो अगर फ्रिल नहीं चाहिए। फ्रिल चाहिए, तार वाली सिलाई तो आजकल सबके पास होती है, तो फ्रिल बना लो। मैंने 5 फंदे बढ़ाए, एक मेरा जिस पे बना था वो 6 फंदे हो गए। तो आप अपने हिसाब से देखना कि कितना चाहिए आपको। अगर ज़्यादा 2 पे या 3 पे बनाए तो देखो इतनी ज़्यादा चुन्नट आ जाएंगी, ये इस तरीके से चुन्नट आ जाएगी। मैंने थोड़ा दूर दूर डाली है तो मेरी थोड़ी खुली खुली है, लेकिन जब बच्चा पहनेगा तो जब झोल पड़ेगा नीचे को तो आ जाएंगे। देखो ये यहाँ पे अभी फिनिशिंग करना बाकी रह गया, बटन मैंने लगा लिया। आप ये देखो, अब उनके हिसाब से, उनको 4 साल के 3 साल का बोल रहे थे वो, कि इसके हिसाब से लंबाई तो आप अपने हिसाब से डालोगे। मैंने ऊपर 38 फंदे डाले हैं, तो आप ऐसे करना 3 साल का भी बनाओगे तो तब भी 38 ही चलेंगे, 3, 4, 5, क्योंकि ऊपर लूज हो जाए। मेरे 3 पत्ते में बनाए, तो आप 4 पत्ते में बनाओगे तो आप इसमें क्या करना है कि जो मैंने ये चीज़ दो दो कम करते हुए लाई हूँ ऊपर से, तो आप ऐसे करना कि 3-3 कम करना या 4 कम करना, तब आपके इस तरीके से 4 पत्ते आ जाएंगे। मेरे 3 पत्ते आए हैं, देखो एक मेरा पीछे साइड बैठा, 2 मेरे ये आगे ऐसे इस तरीके से बैठे हैं। बाकी आप देख लेना, ये मैंने नीचे से फंदे उठाए हैं। आप लोग ऊपर से उठाना चाहो तो आप ये इधर किनारी ऊपर से उठा सकते हो। मैंने इसके नीचे से उठाया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कि इस तरीके का लग रहा है कि जैसे ऊपर से अलग से बना के डाला होगा। मैंने पूरा ये यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई से ही बॉर्डर बनाया, बाकी मैंने पूरा 9 नंबर से बनाया ताकि थोड़ा लूज रहे नीचे, ठीक है। ये भी 9 नंबर से बनाया, खाली मैंने 10 नंबर की सिलाई से ये वाला बॉर्डर बनाया, अरे बाजू का ये फ्रिल बनाई है, और बाकी सब 9 नंबर से बना हुआ है, पूरा 9 नंबर से बनाया। आप अपने धागे के हिसाब से लगाना, और बाकी इस तरीके से देखो, ये जब बच्चा पहनेगा तो फ्रिल खुद ही ये झोल पड़ेगा, तो देखो लंबाई काफ़ी है। मैं एक बार आपको नाप के भी बता देती हूँ कि कितनी लंबी है ये। तो उनको 3-4 साल के बच्चे के लिए चाहिए तो इतना तो चाहिए, फिर भी इसी हिसाब से बनाओगे थोड़ा सा फंदे कम कर लेना, क्योंकि बच्चा पतला मोटा के हिसाब से बनता है कि बच्चा कैसा हेल्दी है। अब हमारे मैंने जिसके लिए बनाया वो हेल्दी भी नहीं है और थोड़ी कद की छोटी है, क्योंकि उसके मम्मी पापा के कद थोड़ा सा छोटा है तो वो भी छोटी सी है, तो इसलिए मैंने मेरा तो इतना भी ये भी उसको लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको नाप के बताती हूँ कि कितना इंच है। मेरी लंबाई ये 23 इंच आ रही है, देखो ये ऊपर से कंधे से यहाँ तक मेरी 23 इंच आ रही है। तो आप थोड़ा सा लंबा बनाना चाहो तो मैंने बताया ना, ये थोड़ा सा लंबा कर लो, या फिर आप 5 ही फंदे बढ़ाने के बाद 2-3 फंदे 2-3 सिलाई प्लेन लगा लो, कि जहाँ जो उल्टा है उसको उल्टा बना लो, जो सीधा है उसको सीधा बना लो, लेकिन ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर उसकी चुन्नट सही से नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ 2-3 सिलाई ज़्यादा लग सकते हैं, और फंदे मत बढ़ाओ जब 5 फंदों के बाद, नहीं तो फिर गेटअप थोड़ा सा उसका अच्छा सा नहीं आएगा। और ज़्यादा चुन्नट वाला चाहिए तो मैंने बता ही दिया कि आप 2 फंदों के बाद भी जाली डाल सकते हो, 3 फंदों के बाद भी जाली डाल सकते हो। मैंने 4 फंदे इसलिए करे ताकि मेरी ज़्यादा जाली ना आए, और ज़्यादा फिर सिलाइयों में भी थोड़ी परेशानी होती है। तो आप अपने हिसाब से बनाओगे। बाकी मैंने बटन उटन लगा लिए, अब देखो अगली वीडियो का इंतज़ार करना, क्या बनाती हूँ क्या लेके आती हूँ। थोड़ा सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना।
मैंने दूसरे मोबाइल से ये फोटो खींची है, थोड़ा कलर चेंज तो हो ही जाता है। देखो इस तरीके की ये बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो ये आगे साइड है, इस तरीके की पिक्चर मैंने खींची है अभी। ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आराम से ये 5 साल के बच्चे का आराम से आ जाएगा, पतला बच्चा। अगर मोटा है तो फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन फ्रॉक तो छोटी ही अच्छी लगती है, ताकि बच्चा नीचे तो कुछ पहनेगा ही, फ्रॉक के नीचे ऐसा तो है नहीं कि कुछ पहनेगा नहीं, लेकिन फ्रॉक बहुत लंबी फिर बेकार लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखना कि कितना बनाना है। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगली वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू। हाँ, ये जो मैंने डिजाइन डाला, देखो ये बगल के नीचे से डाला, ये इस तरीके से तिरछा आएगा डिजाइन, ये आगे साइड को आ जाएगा जिनमें फंदे बढ़ रहे हैं। फंदा हमारा सिर्फ एक साइड इधर बढ़ा, इधर बढ़ा अंदर की साइड को। इस साइड के फंदे जो हमारे बढ़ रहे थे वो हमारे घट रहे थे, हमारे 46 थे तो 46 ही रहे, 46 से ऊपर नहीं हुए ना कम हुए। तो ये हिसाब लगा लेना, तो मेरे फंदे बढ़े हैं, एक साइड 37 फंदे एक साइड बढ़ गए, 37 एक साइड बन गए, ताकि इसका ये पीछे का घेर इस तरीके से चौड़ा आ गया। बस बाकी अगली वीडियो।